वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? भाई मैंने तो काफी मिस किया आप लोगों को। तभी तो जैसे ही माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ, दोस्तों के साथ मैं निकल गया मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। एक दिन की छुट्टी थी हमारे पास, तो हमने सोचा माथेरानी एक जगह है जहाँ पे हम जाके जो है व्लॉग कर सकते हैं। तो बस निकल गया मैं। यार रोड जो है ना बड़ा सता रहा है यार। एक तो मतलब ये हमारा जो ड्राइवर है, मैं उतार दूंगा। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम। अभी तो एकदम फट्टे गर्मी है। हमने सोचा था काफी ठंड होगी, बट आई एम श्योर रात को आई थिंक अच्छा खासा ठंड पड़ने वाली है यहाँ पे। नए सपने बुने हम, खट्टी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। कोई आगे ना पी। भीड़ मतलब इतनी भीड़ है यहाँ पे। किस्मत हमारी अच्छी थी कि पार्किंग मिल गई हमें। एंट्री पॉइंट पे 50 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है फॉर एडल्ट्स एंड 30 रुपीज फॉर चिल्ड्रन। और अब हम आ पहुंचे अमन लॉज रेलवे स्टेशन। यहाँ से माथेरान स्टेशन पहुंचने के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन टॉय ट्रेन, सेकंड ऑप्शन नॉर्मल रास्ता, थर्ड ऑप्शन घोड़े की सवारी एंड चौथा हैंडपुल रिक्शा। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। और हमने चूज किया रेलवे ट्रैक्स पे ट्रैकिंग, जिसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। द बेस्ट पार्ट इज दैट अभी जो है हम रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे बैठे हुए नहीं दिख रहे। जैसे बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे ना पीछे, लम्हे में है। आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस रेड ग्लेयर विद दिस रेड मास्क, and that is apparently the reason that I'm not removing them at all. बहुत धूप है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पे है जिस वजह से थोड़ा हाँप रहा हूँ बीच बीच में। फिर से वो पुराने वाले दिन वापस आ गए। वेलकम टू माथेरान। आपको पता है 1850 में लॉर्ड एल्फिंगस्टन, जो कि उन दिनों मुंबई के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने माथेरान का फाउंडेशन रखा था एज वन ऑफ द फ्यूचर हिल स्टेशंस ऑफ द कंट्री। माथेरान जो है इंडिया के स्मॉलेस्ट हिल स्टेशंस में से एक है। अब मैं आपको इस माथेरान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो शायद ही हम में से किसी को पता है, जबकि हमें जरूर जानना चाहिए था। ये छोटी सी जगह माथेरान ने हमारे देश को एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर दिया था, श्री वीर भाई कोटवाल। और 1943 में एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा किए गए एनकाउंटर में वो शहीद हुए थे। इनफैक्ट हिज वाइफ मिसेस इंदु कोटवाल डाइड इन 2012 एट द एज ऑफ 91। माथेरान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टॉय ट्रेन राइड। एंड वो जो आप इंजन देख रहे हो, दिस वॉज द फर्स्ट एवर इंजन जो माथेरान में चली थी इन 1905, एंड नेक्स्ट 77 ईयर्स तक इसे यूज किया गया था। और ये जो है आज का इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स खंडाला पॉइंट। बस हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही नजदीक है खंडाला पॉइंट के। आप देख रहे हो रास्ता कैसे है, ये देखो उधर का जो सीढ़ी है वहां से हम उतरते हुए आए यहाँ पे। अभी बिल्कुल सुनसान जगह है, सिर्फ हम तीनों हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। अभी हम कोई तो एक पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं।
होता है ना जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, वो होता है एकदम जंगल के बीच में, ऑफिसर्स रेस्ट हाउस टाइप्स कुछ होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फिर वहाँ पे वैम्पायर लोग जो है ट्रक करते और खा जाते, बिल्कुल वैसी वाली जगह लग रही है। ये पूरा मथुरा में एक ही जगह मिला जहाँ पे घोड़े का पट्टी नहीं है। ये इसे कहते हैं सिक्योरिटी बैरिकेड। ये मजा ले कोई इंसान उधर से जाके गिरे। तो हम आ पहुंचे शार्लट लेक, काफी सुकून वाली जगह है ये, बट मुझे ज्यादा सुकून मिला इन्हें देख के। सच में पहाड़ी रास्तों पे चलने के बाद जब ऐसे लेक मिलते हैं ना, मजा दुगुना हो जाता है। दिन भर ध्यान निकल गया। अभी एक सनसेट पॉइंट, सनसेट हो रहा है सामने एकदम, बिल्कुल गोल्डन लाइट पड़ रहा है फेस पे। आज के लिए हमारे घूमना यहीं पे खत्म होता है। बहुत टायरसम डे था, बिकॉज या तो आप चढ़ रहे हो ऊपर या फिर उतर रहे हो। आहा, रोमांटिक। कल जो है सवेरे अर्ली मॉर्निंग में निकलूंगा, होटल जाके फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से वहाँ पे, ठीक है? चलो। Yes, one. Yeah. जिस पैच से आया मुझे संभव फील हुआ, कुछ तो समथिंग वॉज नॉट राइट, यू नो, अजीब सा एक वाइब था वहां पे। एनीवेज चलिए। गुड मॉर्निंग, और फिर से हम आ गए उसी जंगल के बीच में। एक्चुअली कल शाम को हम लोगों ने लगभग 10 किलोमीटर का ट्रेक किया था, वो भी पहाड़ी रास्तों पे। सो बाय द इवनिंग हम लोग बहुत थक गए थे, तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने छोड़ दिया था, तो इसलिए मैं उसे जाए अभी जल्दी जल्दी सवेरे निकल चुके हैं। इधर एक रास्ता है और इधर एक रास्ता है, और हमें समझ नहीं रहा है जाना किस तरफ है। पता है हमारे हेल्प करने के लिए कौन आया? धर्मराज। कौन से रास्ते से जाऊं, दाहिने की? अरे धर्मराज, कौन सा ऐ तेरी धर्मराज, कौन से सड़क पे जाना है? अरे मेरे पे स्वर्ग नहीं जाना मुझे। इस पेड़ से ना मुझे बचपन की एक बात याद आ गई, जब ये छोटा पौधा था तो मैं इससे दो गुलेल बना सकता था, एक यहाँ से और एक यहाँ से। आप जब किसी पॉइंट को देखने के लिए जाते हैं, वो पॉइंट तो हम एंजॉय करते ही हैं, पर जो जर्नी होती है ना वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग होती है। अरे ये सच में हमारा धर्मराज बन गया, पलट के देख रहा है कि हम लोग आ रहे कि नहीं आ रहे। सी इस रूट पे कुछ और पॉइंट्स थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम जा नहीं पाए। पर वो कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले किसे पता है, इसीलिए जर्नी जो है उसको दबा के एंजॉय कर लेना चाहिए। सो हमारा भी वैसे ही हो रहा है, पॉइंट पे जाने के बाद ठीक है वो हर सारे पॉइंट्स एक ही दिखते हैं, पर जो आने जाने का जो प्रोसेस है, आने जाने का जो रास्ता है, जो माहौल है, जैसे जंगलों के बीच से हम लोग जा रहे हैं, वो जो है ना कुछ अलग ही मज़ा दे रही है। वीकडेज में स्पेशली ऐसा फील होता है, यार इस वीकेंड में कुछ ऐसी जगह पे कहीं पे चले जाएंगे जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना हो, घना जंगल हो, बस वी वांट आवर स्पेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल छोटू सा हिल स्टेशन लाइक दैट। घर वालों को पॉजिटिवली बोल के आइए कि एक दिन के लिए हम जो है तरीपार होने वाले हैं, क्योंकि
किसी कोने में आपको नेटवर्क का एक बार भी नहीं दिखने वाला। सीधे आपको दिखा देगा नो सर्विस, भाड़ हो जाओ, जो करना है करो। तो ये था मेरा एक छोटा सा ट्रिप टू माथेरान। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज डू द नीडफुल। इन लोगों के लिए तो मुझे लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स चाहिए ही चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।